वेलकम द क्लास ऑफ प्लस टू बायोलॉजी। आज हम प्लस टू बायो का फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नॉर्मली हमने देखा है कि इससे पहले हमने गैमीट्स के बारे में डिस्कशन करी है। मैंने आपको बताया था कि देर आर मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, उनका फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस की बात करी थी हमने। गैमीट्स का फॉर्मेशन जो था, मेल गैमीट्स दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस, फीमेल गैमीट्स दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी, दे आर कम टुगेदर थ्रू, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो मेल्स हैं दे आर सेंडिंग देयर स्पर्म्स अप टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड दे गॉट फ्यूज होते हैं वहाँ पे, वो हम सारा इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फुल डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट का टाइम 9 मंथ का उसका डेवलपमेंट हो गया, विच इज़ नोन एज जेस्टेशन पीरियड। ये सारा जेस्टेशन पीरियड है। उसके बाद उसकी फिर उस डेवलप्ड एम्ब्रियो को बाहर आना है, तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब जब ये बाहर आएगा यूट्रस से, जब वो बेबी बाहर आएगा, इसकी जो पासिंग है, मीन जब ये यूट्रस कंट्रैक्ट करेंगे और कंट्रैक्ट करते हुए इसको बाहर लेके आएंगे, ये बर्थ हो गया। इसको बोलते हैं पार्चुरेशन, ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये सारा जो डेवलपमेंट भी बीच में हम देखेंगे, पार्चुरेशन, बर्थ कंप्लीट आने के बाद तक का ये जो प्रोसेस, बर्थ होने तक का जो प्रोसेस है, ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम स्टडी करेंगे। लेट अस स्टडी नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये जो थर्ड चैप्टर है, इसका फर्स्ट पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। इनके सभी पार्ट्स को प्रॉपरली इलेबोरेटेड तरीके से हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर लेटर जो हमने अभी डिस्कशन किया, वो सारे पार्ट्स डिस्कस किए जाएंगे इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिक जो पार्ट होते हैं वो क्या है, एक पार्ट है यहाँ पे, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक टेस्टिस का पेयर। ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें लेटरल व्यू, जो साइड से पूरा का पूरा व्यू होता है, वो व्यू फोकस करने की कोशिश करिए। इसके ही फर्दर पार्ट में आपको यहां मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा कि किस किस तरह से कोई भी चीज होती है। आप चिंता ना करें, कोई टेंशन ना लें किसी भी चीज की, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात करी, देयर इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक टेस्टिस का यहाँ पे पेयर है। और टेस्टिस की अगर हम बात करें, ये है टेस्टिस, क्लियर, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए ग्लैंड दैट इज नॉन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये हमने लिखा है सारा यहां पे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इनको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके साथ ये पीछे ये एक पाउच सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, पियर शेप्ड है ये यूरिनरी ब्लैडर, ये है। यहां से एक और हमने एक लिखा यहां पे, वास डिफरेंस, टेस्टिस के ऊपर टॉप पे एक और स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडिमस। एपी का मतलब ही ऊपर होता है, जो ये स्ट्रक्चर है एपिडिडिमस है। एपिडिडिमस से हमारी एक पार्ट निकलता है, एक
डक्ट निकलती है, इस डक्ट को नाम देते हैं वास डिफरेंस विच कैरीज द स्पर्म्स, जो स्पर्म को कैरी करता है, और यहां से इट कवर्स इट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड आल्सो फ्रॉम द साइड ऑफ यूरिटर, यूरिटर की साइड से ये जो एक डक्ट सी ऊपर से आ रही है, ये किडनी से आती है, यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है, तो दोनों साइडों से आती है और ये यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है, और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करके जो ऊपर से सारा यूरिन आता है वो इसके अंदर छोड़ देती है। चलो उसका केस यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा पेयर ऑफ टेस्टिस है, एपिडिडिमस है, उसके साथ हमने देखा यूरिनरी ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्र ग्लैंड है, और सेमिनल वेसिकल है, ये लिखा है हमने सेमिनल वेसिकल, ओके। और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट पास होती हुई यहाँ से आती हुई आगे तक पहुँचती है, इस डक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा, इसको क्या बोलते हैं यूरिथ्रा, ये द डक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिन लेके आती है और ये पास होती है विच इज अनदर ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज नोन एज ए पेनिस, इसको हम पेनिस बोलते हैं, इट इज एक्सट्रोमिटेंट ऑर्गन मीन्स आउटसाइड द बॉडी, और इट इज फॉर द पर्पज ऑफ सेंडिंग द स्पर्म्स अप टू द पार्ट ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन प्रोसेस एज वेल एज ड्यूरिंग द जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उस प्रोसेस के लिए, अदरवाइज इट इज ऑर्गन टू कैरी द यूरिन टू सेंड इट आउटसाइड, इसके लिए ये ऑर्गन यूज होता है सिंपली यूरिन को पास आउट करने के लिए। एंड अगर रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए हम बात करें तो वहाँ पे ये स्पर्म्स को कैरी करने का भी रोल प्ले करता है और उसको फिर वहाँ तक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक सेंड करने का भी काम करता है, जिसके लिए एक टर्म यूज करते हैं इंसेमिनेशन, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। टेस्टिस की बात कर ली हमने, एपिडिडिमस की हमने बात कर ली, वास डिफरेंस की बात कर ली, एक डक्ट यहाँ से निकलती हुई हम दिखा रखी है यहाँ पे, यहाँ ज्वाइन कर रही है इस डक्ट के साथ जो सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, यहाँ से भी कुछ सिक्रीशंस आती हैं, वो सिक्रीशन जो है वो यहाँ इसको एक डक्ट के थ्रू रिलीज करती है, इस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, मीन्स कुछ रिलीज करना बाहर लेके आना कुछ, यहां से लेती हुई आती है और इसके साथ इजैकुलेटरी डक्ट के साथ कौन ज्वाइन कर रहा है, ये ज्वाइन कर रही है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ज्वाइन हियर जस्ट नियर टू द डक्ट ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसिकल से आ रही है उसके साथ यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ ज्वाइन करने के बाद इट कैरीज द होल मटीरियल सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एज वेल एज द वास डिफरेंस, एंड देन फर्दर दे लीड और join here with the urethra, urethra को यहाँ पे आके ये join कर लेते हैं यहाँ जैसे, and which is surrounded by again a piriform shaped एक structure यहाँ पे है, ये है, इसको बोलते हैं prostate gland, it also release some secretions as well as vulvourethral gland, इसका जो size है लगभग ये almond के shape की size का रहता है और इसका जो size है वो P के जो मटर का सीड होता है उसके जितना इसका साइज रहता है अप्रोक्सीमेटली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, एंड दे बेसिकली रिलीज सम सेक्रीशंस विच लुब्रिकेट फॉर द पेनियल मींस पेनिस के लिए जो लुब्रिकेशन है वो प्रोवाइड करता है। नॉर्मली आपको आइडिया लग रहा होगा, एंड दिस टेस्टिस इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी एंड दिस इज नोन एज ए पाउच, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, इट इज स्किन्ड पाउच, पाउच है स्किन का एक बना हुआ जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम जो है वो दे आर लाइंग आउटसाइड द बॉडी, व्हाई इट इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी, क्यों बॉडी के ऊपर बड़े सारे ऐसे एनिमल्स हैं दे हैव इंटरनल टेस्टिस, दे आर लोकेटेड देयर टेस्टिस इंटरनली, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस या बट सो मेनी मैमल्स, बड़े सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनमें जो स्क्रोटम है दे आर लाइंग आउटसाइड द बॉडी। नॉर्मली होता क्या है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वहाँ से 2 से लेके 2.5 डिग्री जो टेम्परेचर होता है दैट शुड बी लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे माइनस मींस कम 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस होना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द
स्पर्म्स, जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्शन के लिए इतना टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होता है, दिस मच। तो हम ये बोलते थे कि थर्मोरेगुलेटर भी है, मीन्स इफ टेम्परेचर इज हायर तो जो इसकी स्किन है दैट गेटिंग स्लाइटली लूजर्ड, बड़ी सारी लूज कर जाएगी और स्क्रोटम की, और अगर टेम्परेचर जो बड़ा कम है अगर तो दैट गॉट श्रिंक्ड, तो वहाँ पे ये श्रिंक करके कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगी। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इस तरह से भी हेल्प करता है, पता लगता है इससे। और टेस्टिस को बेसिकली जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो इसीलिए कम चाहिए होता है क्योंकि स्पर्म्स की जो रिक्वायरमेंट है, स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन है वो इतने डिग्री कम पे ही प्रॉपरली सर्वाइव कर पाते हैं, मीन्स बन पाते हैं। देन दे आर, वंस दे आर फॉर्म्ड देन दे आर, दे हैव नो नीड, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं रहती। बट इसकी फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। सो द टेस्टिस आर लाइंग आउटसाइड द बॉडी इन द पाउच विच इज नोन एज स्क्रोटम। आई होप थोड़ा आपको आइडिया यहाँ पे लग गया होगा। और ये जो वास डिफरेंस है वो अगर हम बात करें, जो हमारा जो लोअर रीजन है, लोअर एब्डोमिनल रीजन, और ये जितना भी एरिया है, दिस इज नोन एज ए पेल्विक रीजन, दिस एरिया इज नोन एज पेल्विक रीजन, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली लाई इन द लोअर एब्डोमिन एंड पेल्विक रीजन। जो पेल्विक रीजन होता है हमारा, जो पेल्विक बोन्स होती है, इसके आगे जितना भी एरिया आता है वहां पे ये लाई करता है। सो हम ये पोजीशंस की भी बात कर लेते हैं साथ में। आपको जो फोकस एरिया रहता है ये यहाँ पे बैक साइड पे मैंने एक एरिया दिखा रखा है, दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ रेक्टम एंड देन इंटेस्टाइन के बाकी पार्ट है वो हमने यहाँ नहीं दिखा रखे। दिस पार्ट इज लाइन हेयर एनस, जो स्क्रोटम के टोटली बिहाइंड एक लाइन के पीछे रहता है वो एनस पार्ट है, जहाँ से जितना भी इंटेस्टाइनल वेस्ट जो हमारा होता है वो इसके थ्रू पास आउट करता है। ये हमारी रेक्टम के बैक साइड पे, इंटेस्टाइन के बैक साइड पे हमने वर्टिब्रल कॉलम बनाने की कोशिश करी है, जो बैक बोन हमारी है वो हमने ये शो कर रखी हुई है। तो जो एक्सटर्नल यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने देख लिए, जो यूरिथ्रा, ये देखिए यूरिथ्रा पास आउट करती है अप्रोक्सीमेटली हायर, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लेंथ जो 20 सेंटीमीटर तक यहाँ होती है, और वो पास करते हुए यहाँ से निकलती है जब, तो इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरिथ्रल मियाटिस। क्या बोलते हैं इसको? यूरिथ्रल मियाटिस, जहाँ से यूरिन को पास आउट करता है। और ये जो एक ऑर्गन है, ये सॉफ्ट स्पंजी ऑर्गन है, पेनिस जो है, ये क्या है, यूरिथ्रा को सराउंड करता है। इट कंटेन सम मसल्स एंड एट द टिप स्लाइटली गेटिंग स्वोलन पार्ट विच इज नोन एज ग्लेंस पेनिस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लेंस पेनिस बोलते हैं, विच इज सराउंडेड बाय लूज स्किन। यहाँ पे इसके बाहर एक छोटी सी लूज सी स्किन रहती है, इस लूज स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फोर स्किन। और ये मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जब भी हमें रिप्रोडक्शन के टाइम पे, अगर रिप्रोडक्शन और जो कॉपुलेटरी प्रोसेस होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के साथ, देन इट गॉट इरेक्टेड एंड इट सेंड्स द स्पर्म्स विच आर कैरिंग बाय फ्रॉम दिस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स फ्लूड प्रोस्टेट ग्लैंड्स फ्लूड, दे आर ऑल्सो स्क्रीटिंग देयर फ्लूड इनसाइड दिस ऐसे। ये भी अपना अपना सेक्रेशन जो भी ग्लैंड से ऐसा रिलीज करते हैं इसमें। और ये जो सेक्रेशंस होते हैं सेमिनल वेसिकल्स का सेक्रेशन, इनके सेक्रेशंस ये क्या क्या सेक्रेट करते हैं, बेसिकली कुछ कैल्शियम आयंस है और फ्रक्टोज है और कुछ एंजाइम्स हैं, ये रिलीज करती हैं सेक्रेशंस। और मैंने आपको बताया था कि जो वर्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये लुब्रिकेशन के लिए भी हेल्प करता है फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पसेस, जो पेनिस के हम अगर लुब्रिकेशन की बात करें तो। और ये जो बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये ग्लैंड्स हैं, दे आर सेक्रेटिंग द कैल्शियम आयंस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो यही एक पार्ट होता है मेल में जहाँ पे फ्रक्टोज शुगर यहाँ पे आती है, बाकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ग्लूकोज शुगर होती है। और कभी कभी अगर हम कभी विक्टिमाइज्ड केस में, कभी ऐसी प्रॉब्लम्स के केस में, कोई रेप केसेस में, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि फ्रक्टोज के टेस्ट करते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो इसीलिए किए जाते हैं।
और ये जो है एनर्जी के लिए होती है, मेनली फॉर द स्पर्म जो है वो दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द फ्रक्टोज, इनको मूव करने के लिए एनर्जी यहाँ पे चाहिए होती है, उसके लिए ये रोल प्ले करते हैं ये सामने से। और ये जो एरिया है इसको हम इंग्यूनियल कैनाल बोलते हैं, जहाँ से ये पास करती है कौन, ये जो है वास डिफरेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स, जो खाली से एक एरिया होता है यहाँ से ये पास आउट करता है, तो फिर यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड होते हुए इस तरह से कनेक्ट करता है। इसके टॉप पे टेस्टिस है, इसका जो लेंथ है वो, इसकी जो टेस्टिस की लेंथ है लगभग कितनी है, 4 से लेके 5 सेंटीमीटर तक है, और विड्थ जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। ये इसकी लेंथ आ गई और ये इसकी विड्थ आ गई। सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, स्लाइटली पिंकिश कलर का इसका कलर है टेस्टिस का, सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड पिंकिश कलर एंड 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ, जो विड्थ है इसकी 2-3 सेंटीमीटर होती है, 2 से लेके 3 सेंटीमीटर तक। और कहाँ पाउच में लाई करती है, स्क्रोटम, एपिडिडिमस, एपिडिडिमस से एक डक्ट जा रही है विच इज नोन एज वास डिफरेंस, देन इट जॉइंस हेयर विद द सेमिनल वेसिकल्स, जहाँ ये इसकी ओपन करती है इजेकुलेटरी डक्ट के साथ। इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो वास डिफरेंस से लाए गए स्पर्म्स को कैरी करती है और यहाँ से अपना सेक्रेशन भी छोड़ती है, और यहाँ से अभी एट दिस टाइम अगर ये वाला सेक्रेशन बाहर आना है तो यहाँ पे ये जो मस्कुलर वाल्व होता है यहाँ पे बंद हो जाता है और ये सेक्रेशन बाहर आती है। तो इस टाइम पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपनी सेक्रेशन छोड़ते हैं यहाँ पे, और बनबो यूरेथ्रल ग्लैंड भी, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, वो भी अपनी सेक्रेशन इस ट्रैक में आ जाता है, मीन्स यूरेथ्रा में आ जाता है। और यूरेथ्रा में आने के बाद जो यहाँ से पास आउट हुआ यूरिन जो होता है वो इसको क्या करता है, एसिडिक कर दिया होता है उसने पूरा यूरेथ्रा का ट्रैक, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसके पास कुछ एंजाइम्स रहते हैं और वो क्या करते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करते चलते हैं। और यहाँ पे इनके पास कुछ ऐसे सेक्रेशंस भी रहती हैं जो अगर फीमेल जेंडर ट्रैक की हम बात करें तो वहाँ जब ये पास करता है तो वहाँ की एसिडिक नेचर को भी ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वहाँ पे स्पर्म्स इजीली पास कर जाएं और वो कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर वो प्रोसेस कहीं पे होता है तो। आई होप कि आपको इस स्ट्रक्चर का पता पूरी अच्छी तरह से लग गया होगा, टेस्टिस का पता लग गया आपको, टेस्टिस के बाद एपिडिडिमस का, ये पेनिस का, ग्लैंड्स पेनिस का, फोरस्किन का, यूरेथ्रल मियटिस का, टेम्परेचर कितना कम रहता है ये पता लग गया, टेस्टिस की लेंथ का, विड्थ का, और इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर इसके आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे यूरिथ्रा का, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल्स का पेयर होता है, इस तरफ भी रहता है, तो हमने यहाँ एक साइड से लिया तो एक ही दिखेगा यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे एक बना रखी है। ये इसका पेयर होता है सेमिनल वेसिकल्स का, कॉपर ग्लैंड, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि टेस्टिस को लेते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कटिंग कर देते हैं, इसकी लंबाई में इसकी ऐसे सेक्शन कटिंग कर देते हैं। लंबाई में जब सेक्शन कटिंग करेंगे उसको हमने यहाँ लिखा है एल एस ऑफ टेस्टिस, इसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। इस टेस्टिस हमने ली और ऐसे को काट कर दिया उसको, ठीक है। अब टेस्टिस की हम बात करें, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस एंड दिस इज द इनर मोस्ट कवरिंग, ट्यूनिका एलिवोजीनिया, ट्यूनिका, ये इनकी इतनी ज्यादा डिटेल की यहाँ पे बहुत जरूरत नहीं है, बट टेस्टिस में बेसिकली ये जो कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये भी इनको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, क्या बोलते हैं इनको, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इनका लगभग नंबर जो है वो एक टेस्टिस में 200 से 250 तक का होता है, 200 to 250 का जो रेंज है इसका रहता है, किसका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। एक टेस्टिस में इतने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, एक टेस्टिस में इस तरह के लोब्यूल्स कितने होते हैं, लगभग 250, तो टेस्टिस में 250 होंगे। और इसका रोल क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का क्या काम है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 ये ट्यूब्यूल होती है, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन वन टेस्टिकुलर लोब्यूल, इन वन टेस्टिक्यूलर
lobule, 1, 2, 3 seminiferous tubules are lying there. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हैं बड़ी ज्यादा कन्वोल्यूटेड होती है, मतलब ऐसे मुड़ी हुई होती है काफी ज्यादा. ये हमने इसकी बाहर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. ये इसकी कवरिंग है जिसको बीच में कनेक्टिव टिश्यू है जिसको कवर कर रहा है, सराउंड कर रहा है. टेस्टिस के अंदर हम देख रहे हैं इट इज डिवाइडेड इंटू कंपार्टमेंट्स. वो कंपार्टमेंट क्या होते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स उनको बोलते हैं. ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का नंबर लगभग 250 के करीब होता है और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से लेके तीन तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जो कि हाईली कन्वोल्यूटेड होती हैं, बड़ी ज्यादा मुड़ी हुई होती हैं. इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. और एवरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज जॉइंड विद रेटी टेस्टिस. ये जो नेटवर्क सा बन रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम रेटी टेस्टिस. The network which is connected with each ductule, ये सारी ductule है किसकी? Seminiferous tubules की. ये जो ductule हैं, ये जो ducts हैं, ये जो carry करके जो भी material यहाँ पे synthesize होगा वो सारा collect होके retitestis में आएगा. और retitestis के बाद यहाँ से कुछ क्या है? Ducts हैं, fine ducts हैं, जिनको हम बोलते हैं vasa efferentia. क्या बोलते हैं इनको? vasa efferentia, which carries the sperms which are synthesized in these seminiferous tubules. In seminiferous tubules में जो भी sperm और spermatozoa बनते हैं वो यहाँ retitestis में आते हैं. retitestis में आने के बाद यहाँ से इनको carry करती है कुछ पतली पतली fine tubes होती हैं जिनको बोलते हैं vasa efferentia. They carry the sperms and send it to the top of the testis. Testis के top पे एक Another एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं एपिडिडिमस. एपी ऊपर, ये डिडिमस जो है इस, ये भी बड़ी ज्यादा मुड़ी हुई दिख रही है आपको. ये एपिडिडिमस की ग्लैंड और ये इसकी डक्ट है. इनके साथ ज्वाइन कर रही है यहाँ पे ये ओपन है तो यहाँ पे जा रही है और ये फिर कैरी करके ले जाती है जितने भी स्पर्म्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं यहाँ आ जाते हैं रेटिटेस्टिस में. रेटिटेस्टिस से vasa efferentia में, vasa efferentia से epididymis में, epididymis से होते हुए ये इसके टेल पार्ट में आते हैं और यहाँ से टेल जो है वो पाइप्स करती हुई इस epididymis को यहाँ से निकल जाती है और ये निकलती हुई ग्लैंड, ये जो डक्ट है, इस डक्ट को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस. यही वास डिफरेंस आपने यहाँ देखी थी, यही वास डिफरेंस आपने यहाँ देखी थी. तो ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर कवरिंग से लेके अंदर तक की कवरिंग की हमने बात करी. फिर इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल जो कंपार्टमेंट है वो मैंने कंपार्टमेंट आपको बताए. इन कंपार्टमेंट में क्या होता है? मुड़ी हुई बड़ी सारी ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और एक एक लोब्यूल में एक से लेके तीन तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और हर ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वो हम इसके बाद देखेंगे. हर ट्यूब एक डक्ट के थ्रू, डक्ट्यूल्स के थ्रू छोटा सा एक नेटवर्क सा बनता है यहाँ पे डक्ट्स का ही. उस नेटवर्क को बोलते हैं रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस में सारा ये सिक्रीशन जो है वो यहाँ से बन के जो आता है यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ से कैरी करने वाली और फाइन ट्यूब्स हैं ये. इन ट्यूब्स को बोलते हैं vasa efferentia. दे कैरी ऑल द मटेरियल विच इज सिंथेसाइज्ड, विच इज सेंडिंग हियर इन द रेटिटेस्टिस. और रेटिटेस्टिस से लेके आने के बाद इनको कहाँ छोड़ देते हैं? एपिडिडिमस पे. और एपिडिडिमस जो है बड़ी कन्वर्ट, बहुत कन्वर्ज्ड ट्यूब है, बड़ी मुड़ी हुई है. यहाँ से ये लेती हुई यहाँ से जब बाहर निकलती है देन इट बिकम वास डिफरेंस. और उसी तरह से वो यूरिन ब्लैडर के साइड से होती हुई, बैक साइड से होती हुई वहाँ ज्वाइन करती है सेमिन वेसिकल्स से. आई होप कि आपको द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जो है वो क्लियर पता चल गया होगा यहाँ तक. इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे इसका है, जो ये हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को फोकस करेंगे. अभी क्या करेंगे? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम फोकस करेंगे हाईलाइट हाई पावर माइक्रोस्कोप में. ये एरिया देखेंगे, ये जो है इतना एरिया लेंगे, उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगे कटिंग करके. इसकी सेक्शन कटिंग ये ऐसी ट्यूब्स दिख रही है, ऐसी सेक्शन कटिंग करेंगे, उसको भी बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर
क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो सेल्स हैं जो अंदर की सिंथेसिस भी करती है। यहाँ तक क्लियर पता लग गया? तो अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसके बाद हम यहाँ से मूव करते हैं, ये हमारे पास अगला स्ट्रक्चर है, दिस इज द टी एस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। टी एस का मतलब हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, ट्रांसवर्स ऐसे कोई ट्यूब है ऐसे, और ऐसे अगर उसकी कटिंग करते हैं उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। इसी ट्यूब को अगर ऐसे को काटना होता तो वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो जाता है, लंबाई में सेक्शन कटना, उसको एल एस बोलते हैं। और सीधा अगर ऐसे स्ट्रेट करता है ऐसे को, उसको टी एस बोलते हैं। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इसमें देखो एक ट्यूब का, ये एक ट्यूब की कटिंग का पूरा स्ट्रक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की है, कुछ थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब हमने जब काटा है तो कुछ दूसरे वाले एरिया में भी आ गई, तो हमने एक दो तीन, एक से लेके तीन तक बताई थी, तो दूसरे वाले लोब्यूल के दिखा रहे हैं हम, ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब जो ये एक ट्यूब है, जो एक ट्यूब की सेक्शन कटिंग की, तो उसकी स्ट्रक्चर ये दिखती है, ये इसकी सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल की कवरिंग। ये जो थिन वॉल सेल्स रेड से कलर के मैंने दिखा रखे हैं ये, और ये जो ब्लू कलर के दिखा रखे हैं सेल्स, ये ट्यूब लाइक सेल्स हैं, इनको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। और यही फर्दर क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इनसे ही क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम इमेच्योर जर्म सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, इमेच्योर जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ये हमने ये दिखा रखे हैं, क्या दिखा रखे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ फिर फर्दर ये डिविजन करते हैं, अगले ये सेल्स बना देते हैं, और उसके बाद इनमें कुछ सेल्स मैंने दिखाने की कोशिश की है, जो रेड सेल दिखा रखा है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं इसको, सर्टोली सेल्स। यहाँ पे बेसिकली जो ये जो सेमिनी फेरिस्टिब्यूल है, यहाँ पे सॉरी दो तरह के सेल्स यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया जो इमेच्योर जर्म सेल्स है, और दूसरे सर्टोली सेल्स। ये दो तरह के सेल्स यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा इसके बाहर भी कुछ सेल्स रहेंगे, उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। दो सेल्स टिश्यूज के बीच में जो सेल्स रहते हैं उनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, ये है ना, जिसको ऐसे भी बुलाते हैं लेडीज सेल। इन्हीं सेल्स को किस नाम से बुलाते हैं, लेडीज सेल भी बोलते हैं। हम बात कर रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जब सेक्शन कटिंग करी तो ऐसा दिखता है वो, जिसमें सबसे बाहर की कवरिंग को हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कवरिंग बोला, फिर ये जर्मिनल एपिथेलियम, इसके बाद इन्होंने सेल बनाए स्पर्मेटोगोनिया, स्पेशली इमेच्योर जर्म सेल्स जो फर्दर डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएट होने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये क्या क्या सेल्स बनाएंगे, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। और कुछ इसमें सर्टोली सेल्स होते हैं, और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, दे नरिश द स्पर्मेटोजोन। जो स्पर्म्स बनेंगे, जो स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, उनको नरिश करते हैं, उनको वो फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देख ली स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद हमने कुछ और सेल्स भी हैं, उसके बाद हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उसके बाद कुछ हमने यहाँ पे ये रेड रेड से दिखा रखे हैं, ये सेल्स कौन से हैं, सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स के साथ अटैच्ड हमने यहाँ पे कुछ ये दिखा रखे हैं, ये क्या है, ये स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजोआ हैं, जो यहाँ से नरिशमेंट ले रहे हैं, एंड देन दे आर रिलीज इन साइड द दिस कैविटी। और ये अंदर क्या है, पूरी कैविटी। ये कैविटी कहाँ है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ये है खाली जो एरिया है, इसमें ये बनने के बाद स्पर्म जाते हैं और ऐसे आते हुए यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से बन के इस खाली पूरी कैविटी में, पूरी ट्यूब के अंदर आते हुए यहाँ यहाँ आ जाते हैं। विद देयर सम सेक्रीशंस, कुछ सेक्रीशंस भी होती हैं जो यहाँ यहाँ इनसे होते हुए इसी तरह से हर टेस्ट इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे, और इनके रास्ते होते हुए एफरेंसिया के थ्रू फिर एपिडिमस में पहुंच जाएंगे। ये सब स्पर्म्स की मूवमेंट की मैं बात बता रहा हूँ, इस तरह से बनने के बाद कहाँ बने, वहाँ बने। इसकी सेक्शन कटिंग करके मैंने जब एरिया दिखाया आपको, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बनते हैं, उसमें दो तरह के सेल्स की बात की, जर्मिनल एपिथीलियम जो बाहर की लेयर है, उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया जिनको बोलते हैं हम इमेच्योर जर्म सेल्स,
इमेच्योर जर्म सेल्स के साथ सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स नरिशिंग का काम करते हैं और इमेच्योर जर्म सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंशिएट होने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इनको क्या बनाना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने हैं, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटा जो बनने, तो वो बनने के बाद इस ल्यूमेन में जाते हैं, खाली कैविटी में जाते हैं और यहाँ से वो कैरी कर लिए जाते हैं। इस एरिया के बाद कुछ सेल्स हमने यहाँ दिखा रखे हैं, ये कुछ ब्लड के सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं कुछ, और ये सारा कुछ कनेक्टिव टिश्यू है, और कुछ ये राउंडवर्ड सेल्स मैंने यहाँ दिखा रखे हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक्स सेल्स। और ये क्या करते हैं, देयर रिलीज सम एंड्रोजन्स, क्या करते हैं ये, देयर रिलीज सम एंड्रोजन्स विच ब्रिंग्स द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को लाते हैं मेल में। अगर मेल की हम बात करें तो हमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो हॉर्स वॉइस होती है, जो भारी सी आवाज़ होती है, ये होती है, दाढ़ी वगैरह का अपीयरेंस होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स आते हैं मेल में, मेल जो है। और बाकी का ये सारा कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके साथ कुछ ये जो इस तरह के सेल्स हैं वो ब्लड के सेल्स हमने दिखा रखे हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड के सेल्स हैं, और इस तरह से ये सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर पता लग गया होगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर था, किस तरह से ये सारी फॉर्मेशन क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की और स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसके बाद बात करते हैं। अब हम देखते हैं आगे गैमेटोजेनेसिस। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देखी, सभी पार्ट्स के बारे में देखा, उसके बाद मैंने आपको टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया, उसके बारे में बताया। टेस्टिस में भी हमने एक और बीच में पार्ट था, टेस्टिकल लोब्यूल्स, टेस्टिकल लोब्यूल में जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी जिसको बोलते थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी भी मैंने सेक्शन कटिंग करके आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखाया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको दी। अब हम उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस को प्रॉपर एक प्रॉपर वे में फिर से मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। एक टर्म यहाँ पे हमारी आती है गैमेटोजेनेसिस, अगेन गैमेटो गैमेट्स, जेनेसिस बनना, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स इन साइड द टेस्टिस। और टेस्टिस में कहाँ पे, अब आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो ट्यूब्स होती हैं दे आर लाइंड विद इंटरनली विद द सेल्स, वो सेल्स जर्मिनल एपिथीलियम के सेल्स से, उनमें मैंने आपको बताया कि दो तरह के सेल्स है, इमेच्योर जर्म सेल जिनको बोलते थे हम स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे थे सर्टोली सेल्स, उनके बारे में आपको मैंने बताया कि इनका क्या क्या रोल रहता है। अब हम इसी प्रोसेस को मेल के केस में देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस आता है इसमें, और फीमेल के केस में अगर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम इस गैमेटोजेनेसिस को तब क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं, तो वहाँ पे ओवम बनता है, वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं मेल में जो गैमेटोजेनेसिस है उसको किस तरीके से पार्ट है, ये किस तरह से होता है, दो तरीकों से होता है ये। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, यही गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट में बांट दिया हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। और इसके साथ एक छोटी सी टर्म हमने और लिखी है, स्पर्मिएशन। अब आप इसको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ पाओगे। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से लग रहा है,
कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। इसका मतलब सबसे पहले हम अगर बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या चीज आएगी? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसमें आपको। स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनने के बाद स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कब कब कौन बना उसको क्या बोलते हैं, ये ध्यान देना है। स्पर्मेटिड्स के बनने को हम स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन जो है वो एक पार तक लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। अब हम देखते हैं स्पर्मेटोजोआ कैसे बना। वो स्पर्मेटोजोआ इसके बाद बनेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मिएशन क्या होगा उसके बाद एक और टर्म यहां पे आएगी, उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। इसके लिए हम एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक मैंने आपको एक चार्ट सा बना के दिखा रखा है, इसके थ्रू मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। ये चार्ट भी आपको बनाना भी है, इसके ऊपर आपको लिखना भी आना चाहिए कि किस तरह से इसको हम लिखते हैं, डायग्रामेटिकली कैसे बनाना है ये भी आपने ध्यान रखना है। कहाँ पे मैंने ये 2n भी लिखा है तो आपको कैसे लगना है कि वो 2n रहता है, सिंगल n क्यों हो जाता है, ये भी आपने ध्यान देना है। सबसे पहले बात करेंगे, हमने एक टर्म यहाँ पर लिखी है एट पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है ये वो टाइम व्हेन द मेल अटेन्स द मैच्योरिटी टू रिलीज द स्पर्म्स। वो एक एज अटेन कर लेते हैं मेल, मीन्स 13, 14, 15 ईयर्स की एज, देन दे आर स्टार्ट टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। उनकी एज इतनी एज के बाद स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के जो टाइम है उसको बोलते हैं पॉवर्टी। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे पहला पार्ट देखते हैं जो आपको ध्यान होगा, इसको मैंने एक डायग्रामेटिकली फिर से वो सेमिनी फेस्टिव्यूल का एक सेक्शन लिया है, उसका छोटा सा पार्ट फोकस किए। ये इसकी ट्यूब है और ये इसके सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम लिया है, स्पर्मेटोगोनियम विल गो फॉर डिविजन्स। ये डिवीजन के लिए जाते हैं, ये है वो स्पर्मेटोगोनिया, एक ले कोई भी ले लिया हमने, वो दे आर गोइंग फॉर डिवीजन, द डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। अब ये डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे, मतलब बनाते जाएंगे और आगे ये क्लियर होते जाएंगे कि करेंगे क्या। दे विल गो फॉर डिवीजन एंड फॉर्म द नंबर ऑफ सेल्स। दो बनाए, दो के बाद चार बनाए, इस तरह से बड़े सारे सेल्स बनाए। ये जो है मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसमें बड़े सारे नंबर बन रहे हैं। ये सारे क्या बन रहे हैं? सब के सब स्पर्मेटोगोनिया ही बन रहे हैं आफ्टर माइटोसिस। दे गो फॉर दिस डिवीजन एंड फॉर्म द नंबर ऑफ सेल्स एंड एवरी सेल्स हैविंग 2n नंबर। सभी में नंबर क्या रहेगा? 2n रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनमें से ही कुछ सेल्स दे विल एक्ट एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या एक्ट करेंगे? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक्ट करेंगे, स्लाइटली दे आर ग्रोइंग इन साइज एंड फॉर्म, एक्ट एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमने कि क्रोमोजोम नंबर में तो नहीं चेंज आ रहा कोई, नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक का जो नंबर है 2n ही रहेगा। आपने ये ध्यान जरूर रखना है, जब भी कभी कम्पिटिटिवली या किसी भी तरह के हम क्वेश्चन पूछते तो वहाँ पर ये जरूर पूछते हैं कि वट विल द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, या हैप्लोइड है कि डिप्लोइड है, तो हम लिख देते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया का ये है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का ये है, इसका ये है, तो किसका क्या हो? आपको बिल्कुल फिर होना चाहिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर 2n है। नाउ वट हैपन्स, इनमें से भी कुछ सेल जो है वो दे आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। उस डिवीजन को बोलते हैं फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। क्या? पहली म्योटिक डिवीजन। एंड दे फॉर्म्स, ये पहली डिवीजन हुई, ये था एक सेल, ये था कौन सा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये, और इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू सेल्स, ये ना दिए। देखो आपको थोड़ा प्लस वन को भी रिकैप कर लिया करो, कोई बात नहीं, अगर मैं तो यहाँ पे आपको बताते रहूँगा, कोई बात नहीं। जब भी म्योटिक डिवीजन की बात आती है तो क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2n के बाद ये सिंगल n लिखे मैंने, इसका मतलब ये है कि रिडक्शन होगी यहाँ पे।
क्रोमोजोम नंबर आधे रह गए तभी हमने सिंगल एन लिखा है। यहां तक क्लियर हुई बात? अब यही सिंगल एन वाले सेल जो है वो फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे, ये दो एन वाले सेल्स ये लिखे थे मैंने, ये नाउ दे विल चेंज एंड डिवाइड एंड फॉर्म फोर सेल्स, एक दो तीन चार, ये एक दो तीन चार। यहां तक क्लियर हुई बात? अब ये करेंगे बिहेव सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या ये एक्ट करेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का? सिंगल एन। प्राइमरी का क्या था? दो एन था, ये भी ध्यान रखना है। सेकेंडरी का सिंगल एन रह जाता है और सेकेंडरी वाले अब सेकेंड म्यूट्रिक डिवीजन के लिए जाते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। अब जो म्यूट्रिक डिवीजन होगी अब तो आप क्रोमोसोम नंबर बराबर रहेंगे, अगर पहले से हाफ थे तो हाफ ही वही रहेगा, नंबर सिंगल एन तो सिंगल एन ही रहेगा। और ये हमारे पास जो बन के आएंगे ये क्या है, ये है स्पर्मेटिड्स। क्या बन गए ये बन गए स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स को स्पर्म नहीं बोलते, इनके अंदर अभी तक फुल फॉर्मेशन नहीं हुई, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हुई है, इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन तक हम स्पर्मेटोजेनेसिस तक एक टर्म यूज कर देते हैं। अब इसके बाद इनको अगले फेज के लिए जाना है, जिस फेज के लिए एक टर्म यूज की थी मैंने आपको, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, मतलब ये राउंडेड से स्ट्रक्चर थे, अलग सी शेप थी, उससे फिर इन्होंने शेप चेंज कर ली, ये हेड पार्ट आ गया, हेड पार्ट में ये न्यूक्लियस, ये एक्रोसोम, ये इसका मिडिल पीस और फिर टेल। ये वाली जो चेंज आई, जो शक्ल में इसकी चेंज आई, जो इसकी मॉर्फोलॉजिकली जो चेंज आई, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स ये जो बने इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इंटू स्पर्मेटोजोआ, और इसके लिए जो टर्म यूज करी थी हमने स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहां तक क्लियर हुई बात? एक बार हल्का सा आपको रिपीट करवा देता हूं। जो स्पर्मेटोगोनिया थे सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, जिसको इमेच्योर जर्म सेल्स भी हम बोलते थे, दे गो फॉर डिविजन्स एंड फॉर्म द नंबर ऑफ सेल्स, बड़े सारे सेल्स बनाए, कौन सी डिवीजन है ये भी ध्यान रखना है आपने। पहले माइटोटिक डिवीजन होगी तो सभी का नंबर क्रोमोसोम नंबर बराबर रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स बहुत सारे बनेंगे, उनमें से कुछ सेल्स एक्ट करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक इनका क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल गो फॉर नाउ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई रिडक्शनल डिवीजन होगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ रहेगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद दे विल बिकम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर क्या है? सिंगल एन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गो फॉर अनदर डिवीजन, अगली डिवीजन के लिए जाएगा, उसको बोलते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये रिडक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, होती माइटोसिस की तरह, पर सिंगल एन ही रहेगा नंबर इसका, सारे के सारे बराबर। एंड दे विल बिकम स्पर्मेटिड्स, ये बन गए स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस तक की हमने एक स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन तक देख लिया, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन यहां तक हुई। इसके बाद इन्होंने अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज की, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हुई तब बने स्पर्मेटोजोआ। ये जो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई एक तरह की शेप से कोई दूसरी तरह की शेप एक्वायर करने को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के साथ साथ एक टर्म हमने और लिखी है स्पर्मिएशन। ये प्रोसेस थोड़ा सा मैं आपको यहां पे भी दिखाना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। वही स्पर्मेटोगोनिया, सम ऑफ द सेल्स एक्टिंग एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को लिख दिया हमने, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो स्पर्मेटिड बनते थे, स्पर्मेटिड के बाद ये जो स्पर्मेटोजोआ है वो क्या करते हैं, दे स्लाइटली एम्बेड, वो जरा घुस जाते हैं किसमें, सर्टोली सेल्स में, ये आपने ध्यान रखना है, दे एम्बेड इनसाइड द सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स है जहां पे ये मैंने आपको दिखा रखा है, अटैच हो रखे हैं, दे आर गेटिंग द नरिशमेंट फॉर गेटिंग मैच्योरेशन, मैच्योर होने के लिए ये यहाँ पे एम्बेड
घुस जाते हैं ये सर्टोली सेल्स के अंदर, और जब सर्टोली सेल से मैच्योर होने के बाद जब इसमें से नरिशमेंट ले लेते हैं, दिस स्लाइटली कम आउट, जब ये यहाँ से निकलते हैं, कहाँ से? सर्टोली सेल से. जब ये सर्टोली सेल से निकल आते हैं बाहर, दे गेट फ्री, दे कम आउट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स आफ्टर मैच्योरेशन, दिस इज नोन एज, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, स्पर्मिएशन. क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मिएशन. क्लियर हुई बात? इसका मतलब स्पर्मिएशन क्या है? जब स्पर्मेटोजोआ फुली मैच्योर हो गए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, ये दे आर अटैच्ड विद द सर्टोली सेल्स टू गेट द नरिशमेंट एंड गेट मैच्योर एंड रिलीज फ्रॉम इट. सर्टोली सेल्स जब रिलीज हो गए और ल्यूमेन में आ गए, खाली ट्यूब के अंदर आ गए, ये जो प्रोसेस है इसके लिए एक टर्म यूज की थी हमने, स्पर्मिएशन. आई होप कि आपको स्पर्मिएशन का पता लग गया, स्पर्मेटिड्स के बनने का प्रोसेस पता लग गया, स्पर्मियोजेनेसिस का पता लग गया, और यहाँ पे भी मैंने इसी पार्ट को थोड़ा हाईलाइट करके आपके लिए दिखा रखा है. यही प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्रोमोजोम नंबर 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्रोमोजोम नंबर सिंगल n, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन स्पर्मेटिड्स का नंबर सिंगल n, स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ जिनका नंबर सिंगल n, और इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं. और इसके साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताई, जब ये नरिशमेंट लेते हैं मैच्योर होने के बाद जब बाहर आ जाते हैं, उस प्रोसेस के लिए सर्टोली सेल से जब ये रिलीज हो जाते हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं स्पर्मिएशन. तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर पता लग गया होगा. और इसके पीछे एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ साथ में. व्हाट इज द रोल ऑफ हॉर्मोन्स? व्हाट इज द रोल ऑफ हॉर्मोन? हॉर्मोन का क्या रोल है? हॉर्मोनल कंट्रोल हम बोलते हैं इस प्रोसेस के लिए. वो क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ साथ में ही. हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ दिस स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसका हॉर्मोनल कंट्रोल किस तरह से होता है? वही एट द टाइम ऑफ पॉवर्टी, जैसे ही हमने बात की कि द अटेनमेंट ऑफ एज 13, 14 या 15 ईयर्स एज अटेन कर ली, और उस टाइम पे जो वो क्या करेंगे, एट दैट टाइम जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है उस टाइम पे क्या होता है, द लेवल ऑफ जी एन आर एच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका लेवल जो है हाइपोथैलेमस से ऑलरेडी ही रिलीज हो रहे होते हैं बड़े ज्यादा नंबर में. किसका? देयर इज अ गोनाडोट्रोफिन विच इज नेम्ड एज जी एन आर एच. जी एन जो है वो गोनाडोट्रोफिन के लिए हार्मोन यूज करते हैं टर्म, और आर एच रिलीजिंग हार्मोन, वहां से इनको रिलीज किया जाता है और इसका नंबर ब्लड में बड़ा ज्यादा घूम रहा होता है. और ये क्या करते हैं फर्दर, these gonadotrophin now what they do, they stimulate the anterior lobe of pituitary gland. brain में हमारे पास इस तरह की gland होती है, ये anterior lobe, ये इसका medial lobe और ये इसका posterior lobe, ये anterior lobe of pituitary gland, master adrenal gland भी बोलते हैं, ये medial lobe और ये इसका posterior back side का लोग है. ये यहाँ फर्दर अलग अलग टाइप की सिक्रीशन ये करते हैं, तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग उसमें इनका रोल रहता है. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय द गोनाडोट्रोफिन टू रिलीज देयर फर्दर हॉर्मोन्स. ये इनको स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज द टू हॉर्मोन्स. नंबर वन इज LH, सेकेंड इज FSH. LH को क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये दो हार्मोन यहां पे रिलीज करवाता है कौन? गोनाडोट्रोफिन. गोनाडोट्रोफिन का लेवल ऑलरेडी ब्लड में ठीक आ गया. जब भी मैंने आपको बोला कि जब पॉवर्टी का टाइम हो गया, जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो बनना शुरू हो जाता है, एट दैट टाइम इसका लेवल जो है वो ऑलरेडी हाइपोथैलेमस से इसका रिलीज हो चुका होता है. मीन्स यहीं पे इसी एरिया में इसका रिलीज होने के बाद ये ब्लड में आ चुका होता है. अब ये क्या करता है? ये फिर से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है टू रिलीज टू हॉर्मोन्स. वो हॉर्मोन्स एंड्रोजन्स हम इनको बोलते हैं. ये एंड्रोजन्स ये है, LH है, एक है FSH. LH luteinizing hormone और FSH जो है वो follicle stimulating hormone इसको बोलते हैं.
और एलएच क्या करता है, अब आपने ये ध्यान देना है, बस दो पॉइंट है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। एलएच इट एक्ट ऑन द लिडिक सेल्स, जो मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इंटरस्टीशियल सेल्स बताए थे राउंडवर्ड से, उनको ही लिडिक सेल्स भी बोलते हैं। मैंने कहा था आपको कि वो एंड्रोजन्स को रिलीज करते हैं, सेकेंडरी हार्मोन्स जो मीन सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स जो लाते हैं वो। तो यहाँ पे एलएच क्या करता है, लिडिक सेल्स को जाके स्टिमुलेट करता है और दे सीक्रेट द एंड्रोजन्स। वो एंड्रोजन्स क्या करते हैं, फर्दर स्टिमुलेट करते हैं प्रोसेस एक, कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में, इस प्रोसेस को शुरू करवाने में कौन हेल्प करते हैं, कुछ एंड्रोजन्स होते हैं। और वो एंड्रोजन्स कहां से आते हैं, एलएच से, एलएच उनको रिलीज करवाते हैं। एलएच कहां से रिलीज होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब इनकी सेक्रेशन की जरूरत होती है तो ये प्रोसेस आ जाता है। उसके बाद यहां तक पता लग गया, सेकेंड ये रिलीज करवाते हैं एफएसएच। एफएसएच कहां एक्ट करता है, इट एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं। तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, फर्दर दे स्टिमुलेट द सेल्स, इन्हीं सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ का मतलब स्पर्मियोजेनेसिस करने में हेल्प करते हैं कौन, एफएसएच। एलएच एफएसएच दोनों मिलके काम करते हैं, और जब इनकी जरूरत नहीं रहती है तब इनका सेक्रेशन उस टाइम पे ये स्टॉप हो जाता है, जब इनकी सेक्रेशन नहीं हो रही होती है तब ये प्रोसेस बंद रहता है। इस तरह से हॉर्मोनिकली ये इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, द लेवल ऑफ GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज इंक्रीजिंग इन द ब्लड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब भी ये प्रोसेस हो रहा होता है, उनके रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज टू हॉर्मोन्स, LH एंड FSH। और LH क्या करता है, लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है, उसको वो स्क्रीट करवाता है उससे एंड्रोजन्स, और वो एंड्रोजन्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को कॉज करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं कि ये प्रोसेस हो। उसके बाद FSH क्या करता है, दे एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, फर्दर स्टिमुलेट करते हैं इन्हीं सेल्स को कि टू रिलीज द स्पर्म। यहाँ जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं उसके लिए बनने की प्रोसेस को, स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं उस प्रोसेस को हेल्प करते हैं FSH, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं उसको। ये है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ दिस होल प्रोसेस। आई होप कि आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। एंड विद दिस ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट हम कल शुरू करेंगे, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन एंड देयर फर्दर पार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।